नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। रामपुर में इलेक्शन कवर करने आई तो सोचा चलिए मुस्लिम इलाके में चलते हैं, मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं कि उनका मूड इस बार किस तरफ है, इस बार वो अपना कीमती जो वोट है वो किसको डालने जा रही हैं। जैसे ही मैं इस इलाके में आई तो ये कुछ पर्चे बांटे जा रहे थे जो कि समाजवादी लोग आए थे और ये पर्चे बांट रहे थे, जिसमें आप ये मैं कहूँगी जूम करके दिखाइए, हाँ ये जो पर्चा है ये बांटा जा रहा था। तो मैंने उठा लिया एक पर्चा और मैंने देखा कि जी ठीक है, देखते हैं कि आज़म खान इस बार क्या क्या बातें लोगों के बीच जेल में रह के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जो 40 साल में जो सेवा की है मैंने रामपुर की भरपूर, वो मुझे इस बार रामपुर में जिताएगा। एक सेकेंड, उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, उन्होंने रामपुर स्कूल के बारे में बात की, जो रामपुर पब्लिक स्कूल है उसके बारे में बात की इस पर्चे में। इसके थ्रू वो मुस्लिमों का वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुस्लिम महिलाएं हैं। मैंने इनको थोड़ा सा कहा कि मुझसे आप 10-15 मिनट बात कीजिए और इलेक्शन का थोड़ा मूड बताइए कि इस बार इलेक्शन का मूड क्या है, किस तरफ आप अपने आप को देख रही हैं इस बार। तो चलिए मैं अपनी बातों का विराम लगाती हूँ और इनसे मैं बातचीत की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, आपका नाम? मेरा नाम शहनाज है। ठीक है शहनाज जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी कम से कम 27 साल। शादी हो चुकी है आप? जी। बच्चे? दो हैं मेरे। जी तो जैसा कि मैं अभी पर्चे से पूछ लेती हूँ, जी आज़म खान का ये पर्चा इससे पूछ लेती हूँ। रामपुर पब्लिक स्कूल की स्थापना, उन्होंने कहा कि मैंने रामपुर पब्लिक स्कूल दिया है रामपुर वालों को। बच्चे हैं आपके? जी हैं। कभी मतलब सोचा कि चलिए ठीक है रामपुर आज तक देखा ही नहीं हैगा, तो बच्चे को पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात हैगी। जिस इंसान ने देखा नहीं तो वहाँ बच्चे कैसे हम पहुँचा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, उसकी फीस इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, तो मतलब आपका कहना ये है कि रामपुर पब्लिक स्कूल का फीस बहुत ज्यादा है जी। कि ये गरीब औरत जो है अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप 27 साल की हैं, आप और भी आप लोगों को जानती होंगी जो मतलब युवाओं के बीच में आप रहती होंगी, आप मुसलमानों में से कोई सा भी ऐसा जानकार जो रामपुर का उस कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो जो आज़म खान ने खोला? नहीं, हम नहीं जानते। हमारे रिलेशन में जहाँ तक है हमें तो पता नहीं है कि वहाँ यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता है। गरीबों की जहाँ तक के बात करें तो हमें उम्मीद नहीं है कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, बाहर के ही आ रहे हैं। माना कि रामपुर में उन्होंने खोल रखी है कि हम रामपुर के वासियों को पढ़ाना चाहते हैं या उनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, ऐसे कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हैगा। हमने तो अभी पता ही नहीं है कि वहाँ कौन बच्चा पढ़ रहा हैगा। अच्छा, तो ये जितने भी उन्होंने वादा किया है आपके हिसाब से सारा वादा फेल, तो इस बार किसको अपना समर्थन कीजिएगा? आकाश भैया को। आकाश भैया को जी, क्या कारण है आकाश? हाँ आपको मैं बताऊँ, आकाश सक्सेना जो कि रामपुर सदर सीट से लड़ रहे हैं आज़म खान के खिलाफ, इनको सपोर्ट करने का क्या कारण है? इनको सपोर्ट करने का ये कारण है कि योगी सरकार से जो हमें लाभ मिला है वो आकाश सक्सेना भैया हमें दे सकते हैं। अच्छा। इस वजह से हम उनको जिताना चाहते हैं, उन्हें वोट देना चाहते हैं। जो हमारी गरीबी दूर हुई हैगी वो इसी वजह से हुई हैगी कि देखिए हमें राशन मिला मुफ्त, हमें 27 साल हो गए, हमें आज तक किसी सरकार से कुछ नहीं मिला है। योगी सरकार से हमें बहुत कुछ मिला हैगा, राशन मुफ्त मिला है, घर बनाने को मिला है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं दिया हैगा। ये आपको भी पता है और काफी लोगों को पता है कि आज के दौर में कोई किसी को पैसा नहीं देता है, मगर इन्होंने बगैर जाने बगैर पहचाने 2.5 लाख रुपए दिया हैगा, नहीं कि 2,000 नहीं दिए, 1,000 नहीं दिए, 2.5 लाख रुपए दिया हैगा घर बनाने के लिए। ये गरीबी दूर की है, किराएदारों को मकान दिए हैंगे, जिनके घर हैं जिनको बनाने की कोई हैसियत नहीं है उनको बनाने के लिए पैसा दिया हैगा, इससे अच्छे हमें सरकार कौन दे सकता हैगा। अच्छा, तो मतलब इस वजह से आप चाहती हैं कि इस बार आकाश सक्सेना को जो कि रामपुर सदर से आज़म खान के खिलाफ फूल के मतलब स्टिकर पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं आपका नाम? सलमा। कितनी उम्र होगी आपकी सलमा जी? ऐसी 25। 25 साल है। बच्चे आपके हैं? जी दो बेटियां हैं। स्कूल का ही मुद्दा उठा लेती हूँ, कभी सोचा कि रामपुर पब्लिक स्कूल में अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ? नहीं नहीं। क्यों नहीं सोचा? फीस इतनी है कि बहुत ज्यादा। गरीबों के लिए नहीं है वो? गरीबों के लिए नहीं है। फिर किस लिए खोला उन्होंने स्कूल खोला, फिर उसके बाद कॉलेज खोला, क्या आपको क्या लगता है गरीबों के लिए क्या करा है? हमें आप बताइए आज़म खान ने गरीबों के लिए क्या करा? जिनके लिए रिक्शा थी उनको रिक्शा ही दे दी, और फिर दूसरी बात उन्होंने इधर रिक्शा दी उधर जमीनी लाइट करा दी। बताइए क्या गरीबी दूर करी है? गरीबों को नोचने का काम आज़म खान ने दिया है। गरीबों को नोच रहा है, रिक्शा ही तो दी, रोजगार तो नहीं दिया ना, अनाज तो नहीं दिया ना, मकान तो नहीं दिए ना, क्या नहीं दिया बताइए आप? कुछ नहीं दिया हैगा, तो हमें ऐसी सरकार को दोबारा नहीं लाना चाहिए। अच्छा मान लीजिए अगर आज़म खान अभी जेल में ना होते जी, बाहर होते जी, बोल पाती इतना?
नहीं कि नहीं बोल पाते, ऐसा थोड़ी है किसी के कहने पे बोल रहे हैं। हम अपनी जबान बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, किसी के कहने से नहीं बोल रहे। हमें कोई डर नहीं है, जो उनकी सच्चाई है ना, जो उनकी खूबियां वही बयां कर रहे हैं, किसी के कहने से नहीं कर रहे हैं। कोई हमें खरीदा थोड़ी है, ये बताइए। वो तो कहते हैं कि रामपुर वाले सिर्फ मेरे हैं, मेरे अलावा किसी के पास नहीं, और खासकर मुसलमान किसी के पास नहीं जा सकता। नहीं खरीदा थोड़ी है उन्होंने, खरीदा नहीं। इस बार किसको जाएगा? आकाश भैया को। आकाश भैया को। अच्छा, और भी लोगों से वापस मैं आप लोगों के पास आऊंगी। तेज तर्रार हैं, युवा हैं, इस वजह से आइए थोड़ा बुजुर्गों से भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? रईस जहां। हाँ रईस जहां। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? मैंने तो ये सुना कि मुस्लिम जो है जाके सीधा आजम खान को वोट करेगा। नहीं, हमें कोई फायदा नहीं मिला है आजम खान से। हमें तो आकाशी भैया को देना वोट है कि जो हमें गरीबी हमारी दूर कर रहा है, हम राशन फ्री खा रहे हैं, तो हम उनको ही देंगे। आकाश भैया तो आपके नया चेहरे हैं ना, आकाश भैया को आप मतलब वो तो अभी नया चेहरा है, एक बार भी इलेक्शन जीता नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आजम खान के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, तो आप उनको क्यों वोट कर रही हैं? तो ये कि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जमीनी लेट कर दी, परेशानी दी है, कोई उन्होंने फायदा नहीं दिया हमें, और फायदा तो हुआ इसी सरकार से हुआ। अच्छा, मतलब सरकार से आपको फायदा हुआ, तो इस वजह से आप इस प्रत्याशी को जिताना चाहती है। आजम खान की क्या कुछ क्रूरता जो आप मुझे, मैं जब आपसे बात कर रही थी तो आप मुझे क्रूरता गिनवा रही थी कि क्या क्रूरता, मतलब क्या परेशानियां जो है आपको, आजम खान आपके मिनिस्टर है, आप लोगों ने उनको जितवा के जो है भिजवा। हाँ हाँ जी, गलती कर दी उन्हें जितवा के। हमें नहीं पता था कि हमारी उम्मीद बेउम्मीद हो जाएगी, हमें नहीं पता था कि हम उन्हें जिताएंगे और वही जाके जेल में आराम करेंगे, और साथ में खुद तो जेल पे गए गए, साथ में और गरीब लोगों को भी जेल में ले गए कि ये एनआरसी में थे, ये उसमें थे, ये इसमें थे, ऐसा क्या है? ये दंगा उन्होंने तो करवाया, हिंदू मुसलमान कोई ही नहीं है, सब एक है, मगर उन्होंने कि मुसलमान मेरी तरफ है, हिंदू उनकी तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब उनकी तरफ है। आज तक आजम खान को नहीं देखा हमने, आज तक आजम खान को नहीं देखा। नहीं, वो तो कहते हैं कि जी हम तो गरीबों के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जब वो जीते नहीं थे और जब वो जीत गए थे तो उनको लाइन लगाने के लिए हम खड़े होते थे कि हमें एक दफा दिख जाए, हमारा ये काम कर दें। खैर नहीं मिल पाते थे, अब हमें जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमें जेल में जाकर उनसे मोल लगवाना पड़ेगी, अपने घर की परेशानी बताना पड़ेगी। बताइए, जो इंसान जेल में बैठा होगा वो हमारा काम क्या करेगा? हम उनके घर तक तो मिलने जा नहीं सकते, जेल में जाएंगे मिलने के लिए? आजम खान एक रामपुर के ऐसे सेलिब्रिटी जिनका गरीबों से भी मिलना मतलब मुश्किल होता था, आप लोगों से नहीं मिल पाते थे वो? नहीं नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा उन्हें, नहीं मिलने का। अच्छा, बता दें आप, वही बता दें कि हाँ हमसे मिलने के लिए महिलाएं आई थी। हाँ, वो जाती हैं जो उनके सपोर्ट में होती हैं। उनके ऑफिस में गई भी थी मिलने, तो मिलने नहीं दिया। बाहर मिलने दिया, क्या बोला? कि वो यहाँ नहीं बैठेंगे, वो वहाँ नहीं बैठेंगे। अच्छा, आप बताइए, आपने क्यों जितवा दिया आजम खान को 2019 में, क्यों जिता? इस बार फिर वोट मांगने आ गए? कि हमने तो दो कर दिया, बहुत ज़्यादा भरे नहीं, हमने तो ये है कि बस अब हमसे हमें कोई फायदा नहीं मिला, तो गलती हो। हाँ, गलती हो गई, इस बार गलती को सुधारना, रिपीट करना है, क्या करना? अब मैं आकाश भैया को देना चाहती हूँ। आकाश भैया को देना चाहती हूँ? हाँ, योगी सर। अच्छा, क्या कारण है भाजपा को, सुनिए सुनिए, भाजपा को पसंद करने का क्या कारण है? कारण क्या है? तो गरीबी दूर करने के लिए। हाँ, गरीबी दूर करने, गरीबी दूर कर दी। ठीक है, आपसे पूछती हूँ, भाजपा को पसंद, आपका अभी क्यों भेज दिया आजम खान को आपने, जिता करके? इसलिए जिताया था कि ताकि हमें सुविधा करेंगे, हमारी सुविधा करेंगे, कुछ कुछ कर नहीं पाए तो क्या फायदा हुआ? हम तो कुछ नहीं कर पाए टाइम पे, हमें अब राशन दिया इतने लॉकडाउन में, वो दे देते, वो जेल में जाकर बैठे गए, हम क्या करते, खाना खाने परेशान हो जाते हम, पर हमारे घर पे खाना राशन पहुंचा, हमें इतनी सुविधा मिली, हम इन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, इनसे जिता के इनको दिखेगा तो कहाँ इतना हमारी, इतना सपोर्ट करा इन्होंने, और हमेशा इन्हीं को देंगे। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे मैं रैंडम लोगों से बातचीत कर रही हूँ, रैंडम लोग ये कह रहे हैं कि जी आजम खान को वोट दे करके हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती को मुझे सुधारना है, और इस बार मुझे भाजपा को वोट करना है। ये कोई भाजपा के कोई प्रत्याशी नहीं है ना, आप इनको, इनके पास कोई पद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ये जो कीमती वोट है वो आकाश सक्सेना को इस बार देना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ने इनकी गरीबी दूर की है, ऐसा इन, हाँ, 500 रुपए वाला भी, फिर उसके बाद हाँ बैठे बैठे अकाउंट में 1000 रुपए आए, हमारे सुविधा हुई थोड़ी। हाँ, हमारे घर में थोड़ी कमी दूर हुई, सिलेंडर मिले हमें। हाँ, चूल्हा जलाना नहीं पड़ लिया, इससे ज्यादा हम और क्या लेंगे? अच्छा, आगे भी उम्मीद करते हैं कि मिले 1000 रुपए कोई डाल देगा आज के, बता दो, फिर भी कोई नहीं डालेगा, मोदी ने। आपको इस सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद है इस बार? अच्छा, आपसे पूछती हूँ मैं, एक बात बताइए, आप रामपुर की रहने वाली हैं, यहीं की रहने वाली हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं, क्या खामियां थी उसमें, आजम खान में क्या खामियां गिनवाई? कोई खामियां नहीं थी। उन्होंने तो नुकसान ही दिया। अच्छा, हमसे उलझी चाहिए,
हाँ, सड़कें नहीं बनवाई, बिजली वो कर दी, कोई उन्होंने हमें फायदा नहीं दिया कि कोई एटम या कुछ राशन या कुछ कुछ नहीं करा उन्होंने। लेकिन वो तो ये सोच रहे कि मैं तो जेल में हूँ लेकिन फिर भी मैं जीतूंगा इस बार, कुछ नहीं करा उन्होंने। हाँ, करा तो उन्होंने इसी वाली सरकार ने करा, राशन भी दिया और फिर वैसे भी खाते में भी पैसे लॉकडाउन में आए, 500 रुपए दिए, हमें कोई फायदा नहीं मिला आजम खान से। आजम खान से कोई, हाँ, कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा। और नुकसान ही दिया, नुकसान, हाँ, कि बारिश पड़ती है सड़कों पर लेट करंट आता है, करंट वाला क्या सीन है, मतलब कि सड़कों पे करंट आता है क्या है? ये हैगा कि जैसे डिब्बे लगा दिए हैं और जमीनी लाइट दे रहा है, और हाँ अंडरग्राउंड लाइट जो है। आप भी इधर आ जाइए, हिंदू महिला है ये आपका? हाँ, आप आ रहे हैं आगे से हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, ये जमीनी लाइटों वाला क्या है पूरा मामला? जमीनी लाइटों वाला क्या पता, कहीं से या तो तार जो है फॉल्ट हो रहे हैं, वो तार निकल के टच कर रहे हैं दीवार से। हाँ। इस चक्कर में करंट आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बारिश का जब समय होता है तो ये करंट वाला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी हाँ। बारिश कोई वो नहीं है, अब मान लीजिए पाइप है। हाँ। ये कहीं से इसके अंदर तार जा रहा है। हाँ। अब तार ये पाइप कहीं से फट गया तो तार तो टच करेगा ही ना दीवार से, जब इसे प्रेशर पड़ेगा गर्माई तो अपने आप ही फटेगा पाइप, तो इससे जो है हमारा करंट आ सकता है घर में। अच्छा। और इसको जो है अपने इस पर्चे में उन्होंने स्मार्ट रामपुर का भी प्रचार किया कि मैंने रामपुर को बहुत स्मार्ट बना दिया है, अंडरग्राउंड मैंने जो है इलेक्ट्रिसिटी की वायर मतलब पहुंचा दी है, इससे मैंने एक स्मार्ट रामपुर बनाया। लेकिन वो जो स्मार्ट रामपुर है इनके लिए घातक रामपुर के तौर पर जो है साबित हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सबका ये कहना है कि इस बार आजम खान का सुपड़ा यहाँ से साफ है। क्या चाची, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? भाई मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, फिलहाल जो भाई मेरा वोट है तो वो तो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा। हाँ जी, आपका वोट बीजेपी? ऐसा है ना, देखिए रामपुर में एक तो हमारे गुंडागर्दी कम हो गई है। हाँ। लड़कियां थी आम रोड, मतलब पहले ये था छेड़खानी, उनको पकड़ लेना, आज वो बात नहीं है। हाँ। अच्छा, फिलहाल आती है राशन की बात। हाँ। तो देखिए 8 महीने से राशन फ्री मिल रहा है सभी को, मुझे ही नहीं सभी को मिल रहा है। तो इस जो है इस वाली सरकार में भाई हमें बहुत फायदे हैं, क्योंकि आज हम आधी रात सड़कों पर घूम सकते हैं। हाँ। अपनी सरकार में हम, बीजेपी की सरकार में हम आधी रात घूम सकते हैं सड़कों पे, लेकिन आगे ये था ना कि आगे पहले की सरकार में हम घूम नहीं सकते थे। अच्छा। हाँ, ये तो ये एक सुरक्षा का भी मुद्दा है। इधर भी हम लोग पूछो, ये सच में ऐसा कोई दंगाई होता था, मतलब इस तरीके की चीजें सच में होती थी कि मतलब गुंडागर्दी हो रहा है दिन ना देखे रात? हाँ, होता था ये। अच्छा। कहीं फिर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। अब तो ये कहीं जा भी रहे आ भी रहे होंगे, कोई डर नहीं है। पहले तो पहले डर के निकलते थे घर से बाहर, कोई मतलब कुछ हो नहीं जाए ऊंच नीच, अब नहीं निकलते। अब डर भी बिना अकेले भी जा रहे हैं, रात के 12 बजे भी जा रहे हैं तो कोई डर नहीं है। दूसरी बात ये कि बेडर हम घर से निकल रहे हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ी सेफ्टी है इसमें। हाँ, इस सरकार में। अच्छा, मतलब राशन, सेफ्टी और तरीकों का जो सुविधाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई गई हैं, वो एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे। और भी इधर पूछते हैं, आपका नाम चाची? हमारा नाम समीना। समीना जी, क्या इस बार क्या लगता है किसको कौन जीत रहा है रामपुर? ये तो मैं नहीं कह सकती, देखो ये तो उसके हाथ में है। हाँ। भगवान के हाथ में, कोई नहीं जीत सकता, मैं नहीं कह सकती इस बात को। अच्छा। भाजपा जीते या मोदी जीतने क्या आजम खान जीतने, इस बात को मैं हमें तो कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई परेशानी नहीं है? किसके जीतने से परेशानी नहीं है? जीते दुख किसके जीतने से परेशानी नहीं, ये तो किस्मत है। हाँ। कोई भी जीत सकता है ना, मेरे आप क्या चाहती हैं कौन जीते? अरे हम तो यही चाहते हैं, यही जीते भाजपा। भाजपा जीते? क्यों चाहती हैं कि भाजपा जीते? यही जाते हमें भाई, तब महीने राशन मिला, फिर एक बेड न खाने को मिला, लॉकडाउन में इतनी सहायता करी हमारी। अच्छा, आपके शौहर का भी ऐसा सोचना है या फिर जो आपके मतलब बेटे होंगे उन लोगों का भी यही सब सोचना है कि भाजपा या फिर कुछ कुछ और? नहीं, सबका यही सोचना है। हाँ, सबका यही सोचे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो कहा, हाँ, वो सभी बोलेंगे, वही बोलेंगे जो हम बोलेंगे। आपका नाम? अम्मा। मेरा नाम जुबैदा। जुबैदा जी, एक बात बताइए, कौन जीत रहा है रामपुर? रामपुर से आजम खान वही जीत रहा है। मन की बात दिल पे जबान पे आ गई, आजम खान, सॉरी, मतलब मोदी जीतेंगे, जिन्होंने राशन दिया, सपोर्ट कर रहे हैं, सिलेंडर पहुँचा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वही जीतेंगे। और कौन जीते? वही जीतेंगे फिर। अच्छा, और कौन जीतेगा? ये सिर्फ आपका मानना है, मुस्लिम महिलाओं का मानना है या फिर आपके जो घर में पुरुष है उनका भी मानना है? बाकी लोगों की मैं कह सकती हूँ। आपके घर में? अच्छा, आपके घर में कितने लोगों की? मेरे और पांच लोग हैं मेरे घर में। पांचों लोगों के मन की मुझे नहीं पता, मुझे अपने घर की पता है बस सिर्फ। आपके घर में पांचों का पांचों वोट इस बार भाजपा को जाएंगे? भाजपा को जाएंगे पांचों वोट। पांचों वोट भाजपा को? हाँ, पांचों वोट भाजपा को जाएंगे। अच्छा, घर में जब आदमी वगैरह बात करते होंगे तो क्या कुछ बात करते हैं भाजपा के बारे में? सुनो, बात अगर करते हैं तो मैं आपको थोड़ी बता दूंगी वो क्या बात करते हैं। लीजिए,
मैं पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सरकार के बारे में बात कर रही हूँ। सुनिए सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आजम खान के बारे में कुछ बात होती है कि नहीं होती? आजम खान के बारे में कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं, आजम खान के बारे में कोई बात नहीं करते। जो बात करते हैं जिसका राशन खा रहा है उसके बारे में करते हैं हम तो बात, बस मतलब भाजपा के बारे में, हाँ भाजपा के बारे में करते हैं। सक्सेना जी के बारे में देते न, सक्सेना जी को हम नहीं जानते, हम सिर्फ मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी, हाँ योगी जी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। अभी कह रहे थे जो राशन देते हैं हाँ उन्हीं की चलाएंगे हम तो, उन्हीं को देंगे जो राशन दे रहे हैं वो देते हैं उनको, कहते हैं हम, हमें किसी का डर तो था नहीं बिल्कुल, अगर वो देते हैं हमें राशन तो हम उनको कहते हैं ये दे रहे हैं उनको कह रहे हैं। लेकिन ये भी आजम खान का ये मानना है, ये सोचना है कि वो जेल में रह के भी रामपुर वालों के दिल में कब्जा कर सकते हैं इस बार, वो अपनी उनकी सोच है हमारी अपनी सोच है, आपका सोचना बिल्कुल गलत, मतलब वो ये है ये हमारा सोचना हमारे लिए सही है, वो अपने लिए जो सोच रहा हूँ, हर आदमी अपने लिए अच्छे ही सोचता है, बुरा तो कोई भी सोचेगा, वो अपने बारे में सोच रहा है हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें जहाँ से आराम मिल रहा है हम तो उसके बारे में सोचेंगे, मतलब आपका हित आप अभी वोट हमारे पक्के उनके हैं, बाकी किसी की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपके 5 वोट पूरे भाजपा के। अच्छा रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग कहाँ चल रही हैं, आपसे भी तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, आपके घर में कितने लोगों का परिवार? हमारे 2-4 लोग। 4 लोग, चारों का सोचना क्या है? ये जो हमारे सोच है, चारों का सोचना ये है। आपके घर में कितने वोट हैं? आपके घर में वोट, हाँ लोग कितने हैं, कितने लोग वोट करेंगे? लोग मेरे 7 बच्चे और 3 बहुएं और 7 बच्चे और 11 जने। 11 जने इस बार किसको समर्थन करेंगे? वो 11 जने, 11 जने आपको ही देंगे, क्या नाम है उनका? मुझे कहाँ से देंगे, मैं थोड़ी चुनाव लड़ रही हूँ, जो आप मुझे दे दीजिएगा वोट। हाँ वही तो, क्या क्या बोला आपने? शिव बहादुर के लड़के को देंगे, आपको क्यों देंगे, हम तो उनको जानते हैं, यहाँ रह के गए पड़ोस में हमारे, शिव बहादुर जी के लड़के वही तो हैं आकाश सक्सेना, हाँ यहाँ रह के गए वो हमारे पड़ोस में, हाँ पड़ोसी को इस बार वोट जा रहा है पूरी तरह, और क्या आपके भी पड़ोसी का जा रहा है? पड़ोसी को जा रहा है भैया, हमारे पड़ोस में रह के नहीं गए। इनका मानना है कि इस बार ये अपने पड़ोसी को समर्थन करेंगी, पड़ोसी का मतलब आकाश सक्सेना जी का। अच्छा और भी आप छोटे बच्चों से बात करते हैं, आइए आप, ये तो डर रही हैं, पहली दफे आई हैं, पहली दफे आई हैं, आप बहुत बार दे चुकी हैं क्या इंटरव्यू? हाँ हाँ, कमल के फूल का ही देंगे वोट, उनको ही जिताएंगे, उनको ही आगे बढ़ाएंगे, वो हमें बढ़ा रहा है हम उनको बढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ सारी बातचीत को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, महिलाओं से हमने बात किया, जोरदार इन्होंने बात कही कि इस बार जो है हम अपने पड़ोसी को जिता रहे हैं, और मुख्य बात जो आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि जो सरकार लोगों के बीच में आके काम करती है, ये जो जनता है वो उनके साथ जाती है, किसी का खौफ किसी का डर लोगों को उनको जीतने में कभी काम नहीं आता है, और हमेशा जो काम आता है वो जनता के लिए किया हुआ काम आता है।